वेलकम दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे ATW कैसे करते हैं, मतलब AT वेल्डिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को प्रोसेस बताने वाला हूँ। आप लोगों को इसे वीडियो के नीचे मिल जाएगा, फिर भी आप लोग देख लीजिए। और मैं एक बार पहले बता देता हूँ, पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ रेल एंड, मतलब रेल का जो दो एंड है वो एंड को अच्छी से बढ़िया से साफ कर लेते हैं, घिसने के बाद उसमें क्लीन कर लेते हैं। देखिए अब क्लीनिंग हो गया हम लोगों का लगभग, इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। अब हम लोग रेल को अच्छी से अलाइन कर लेते हैं। अलाइनमेंट के लिए हम लोगों का रेडी हो गया, रेल का दो एंड सामना सामने आ गया ठीक से बढ़िया से। आप तीसरा है क्या, फिक्सिंग ऑफ मोल्ड, हम लोग मोल्ड को असेंबल कर लेंगे बढ़िया से। इसको भी घिसना पड़ता है, घिसने के बाद जब इसका जॉइंट पूरा प्रॉपर हो जाएगा तब इसको हम लोग फिक्सिंग करेंगे। अब हम लोग सैंड को प्रिपरेशन कर लेंगे, इसमें हल्का मिक्सिंग बढ़िया से मिक्सिंग करने के बाद उसको हम मोल्ड में लगाएंगे। तो पहले देखिए हल्का सा उसमें पानी मार के अभी प्रिपेयर्ड हो गया सैंड। अब हम लोग जो गैप है वो गैप में पूरा अच्छे से फिल कर देंगे उसमें। अभी हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे स्क्रू सेबल को। इसके अंदर एक पिन डाल देंगे, अब इसके बाद हम लोग डाल देंगे एलुमिनियम स्लग जो वेल्ड मटेरियल।
चलो हमारा स्टेप। अब इसका ढक्कन लगा के इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम लोगों को जो प्रोसेस है प्री हीटिंग और रेल, अब रेल एंड को हम लोग हीटिंग कर लेंगे। अब हम लोग इसको प्रॉपर जॉइंट के ऊपर लेके आएंगे। हो गया, अब इसको हम लोग रिएक्शन के लिए लगा देंगे। अब हम लोग ये जो पिन लगाया था वो पिन को निकाल देंगे। पिन निकालने के बाद वो पोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। पिन निकाल दिया हम लोग, अब पोर्डिंग चालू हो गया। तो देखिए हम लोग का पोर्डिंग कंप्लीट हो गया। पोर्डिंग कंप्लीट होने के बाद इसको हम लोग हटा देंगे। हटाने के बाद इसका जो पार्ट है उसको धीरे धीरे स्ट्रिप कर लेंगे। लास्ट प्रोसेस है हम लोग को स्ट्रिपिंग एंड ट्रिमिंग। जो उसका फिटिंग्स था वो फिटिंग्स को हम लोग स्ट्रिपिंग कर लेंगे। देखिए हम लोगों का हाइड्रोलिक ऑयल ट्रिमर जो है उसको हम लोग इंस्टॉल कर लिया और ट्रिम करने के लिए हम लोग अभी हाइड्रोलिक ट्रिमर के साथ उसको ट्रिम करेंगे। अब हम लोगों का वेल्डिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग कूलिंग करके इसको बाद में ग्राइंडिंग कर लेंगे। ग्राइंडिंग का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करने का कोशिश करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।